हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट ट्रैवल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं, वो करेंगे। देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है। एक्स प्लस क्या दिया है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 13 दिया है। तो हमसे पूछा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्क करने पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 169। 13 का वर्ग कितना आ जाएगा, 169। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्स से एक्स कट जाए तो इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू इधर कितना बचा, 169। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 माइनस टू। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 167। ये आंसर आ गया, 167 आंसर आया। तब भी ऐसा सवाल आए तो हमको ऐसा सॉल्व नहीं करना, बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बेसिक मेथड हो गई। अब डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक, जब हमको पता है क्या दे रखा है, 1 + 1/(x²) बराबर 13 दे रखा है, और इधर क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपने को। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x²), ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 169। और इधर जो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, ए बी क्या होता है, ए अपने पास एक्स है और बी क्या, 1/(x), तो एक्स से एक्स कट जाता है, बचता क्या है, टू बचता है नॉर्मल। अब इधर टू प्लस का है, अब उधर जाएगा तो कितना बचेगा, तो इधर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x² इक्वल टू 169। ये प्लस टू है तो उधर जाएंगे क्या, माइनस का हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 167 आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट सवाल देख ले, तो नेक्स्ट सवाल भी लगभग ऐसा ही है, नेक्स्ट सवाल से हम समझ लेंगे कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो हमसे पूछा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 बराबर, ज्ञात करना। अब ये जो लिखा है एक्स की पावर 4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/(x) का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमको ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। और यहाँ 2ab कितना आएगा, 2ab कितना आता है, एक्स एक्स कट जाएंगे कितना बचेगा, 2। तो ये 2 है उधर जाएगा तो क्या, माइनस हो जाएगा, तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x² की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पर अपने को एक और बार स्क्वायर करना है क्योंकि एक्स पावर 4 निकालना अपने को, तो अपन एक और बार स्क्वायर कर देंगे। तो फिर स्क्वायर करेंगे सेम मेथड, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/(x) की पावर 4 प्लस यहाँ कितना बचेगा, 2, और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब ये 2 उधर जाएगा तो 2 उधर जाएगा क्या, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 प्लस 1/(x) की पावर 4 कितना आ जाएगा, 47। ये आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे हम, ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में रख के। ठीक है, फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, एक्स माइनस 1/(x) इक्वल टू 13 है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x²), सेम ही सवाल है, ये फर्स्ट वाला और ये सेम सवाल है, बस इसमें क्या माइनस लग गया। तो माइनस का क्या रहता है फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x²
अब इधर क्या माइनस आएगा, ये माइनस से दे तो माइनस आएगा, ये टू ए बी, ए बी से भी कट जाएगा तो बचेगा क्या टू, ठीक है, इक्वल टू कितना 13 का स्क्वायर 169। ओके, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाएगा 171, ये आंसर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछे थी कितने आ गई 171, ठीक 171, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी सिंपल सवाल ही था, सेम प्रोसेस इसमें भी करनी थी। नेक्स्ट सवाल भी सेम ही दे रखा है, क्या दिया है x माइनस 1/x = 3 दिया है, तो हमको निकालना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे हम, सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या माइनस आएगा, तो कितने आएंगे यहाँ पर 2, ए बी से भी कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 बचेगा। अब 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ जाएगा 11, यू विल बी आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आता होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ये वाला, ठीक है। एक्स प्लस 1/x = ज्ञात करना, नहीं कितना दिया है 1 दे रखा है, तो एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, जब भी एक्स प्लस 1/x दे रखा हो और इधर वैल्यू 1 हो तो हमेशा इधर क्या आएगा माइनस 1। इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं एक बार, पर ये याद रखना हमेशा, अगर इधर एक्स प्लस 1/x = 1 दे रखा है तो इधर एक्स क्यूब कितना आएगा माइनस 1 आएगा। अब कैसे आएगा हम सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 रहता है। अब इधर कितना रहेगा 2ab, तो ab से भी कट जाएगा बचा कितना 2, तो 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब अपने को क्यूब निकालना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ बचेगा 1/x = -x, माइनस एक्स को इधर ले आएंगे हम, एक्स क्यूब प्लस 1/x + x = 0, ठीक है। अब हमको पता है ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दे रखी, एक्स प्लस 1/x कितना होता है 1 होता है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 = 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -1, तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू कितना -1 होता है। अब हमेशा हमको इतना सॉल्व नहीं करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा है, तो हमें डायरेक्ट बताना है एक्स प्लस 1/x है होगा तो 1 नहीं होगा, तो इधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आएगा -1, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल सेम है, क्या एक्स प्लस 1/x = -1, तो एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी है। अब अपने यहाँ क्या था, पहले प्लस था, यहाँ प्लस था तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या -1 आई थी, अगर यहाँ -1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ये आए तो हमेशा याद रखना हमको क्या आएगा एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 1, अगर इधर -1 है इधर तो +1 आएगा और इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा -1। एक और बार ये सॉल्व करके भी बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से भी कट जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 + 1, ठीक है। अब ये +2 उधर जाएगा तो कितना आएगा -1, तो यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 में से +1 गया तो कितना आएगा -1, ठीक है। अब देखते हैं हम -1 अपने को चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स से दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x = -x, -x को इधर ले आएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x + x = 0, और हमको वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 1/x की कितनी -1 दे रखी है,
ठीक है, कितने एक्स क्यूब प्लस कितने देखे माइनस वन दे रखी है, माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, प्लस वन। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब इक्वल टू कितना, वन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें क्या निकालना, एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो इधर क्या दे रखा, एक्स क्यूब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इधर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स से डिवाइड करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स एक्स ख़त्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, तो क्या आ जाए, एक्स प्लस इधर वन आ जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन। जब हमको पता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन है, तो एक्स क्यूब कितना आएगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाती, प्लस वन। अगर यहाँ माइनस वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस वन। तो हम यहाँ क्वेश्चन में रख देंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, वन। तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू, टू आंसर आ जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू वन है, तो हमको क्या निकालना, एक्स की पावर चालीस प्लस एक्स की वन अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स पावर चालीस की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको क्या है, नॉर्मल में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, तो वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, वन। ठीक है, ये इधर टू बचा और वन का स्क्वेयर वन होता है। अब जब ये टू उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन, क्या आ गया, माइनस वन। और जब भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन आता है, तो हमें पता है कि एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, वन होगा। एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, वन होगा। तो हम क्वेश्चन में देख लेते, हमसे पूछा गया एक्स की पावर, यहाँ सबको इजिकल हुआ, ठीक, एक्स पावर चालीस इक्वल टू वन अपॉन एक्स पावर चालीस। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स पावर एक्स इंटू एक्स की पावर उनचालीस प्लस वन अपॉन एक्स पावर उनचालीस इंटू एक्स। ठीक है, अब ये कितना मल्टीप्लाई है, तेरह, तेरह से मल्टीप्लाई है, तो ये हम तेरह से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब इंटू थर्टीन इक्वल टू वन की पावर थर्टीन। तो ये एक्स क्यूब उनचालीस कितना आ जाएगा, वन ही आएगा। तो एक्स की पावर उनचालीस की जगह हम क्या, वन रख देंगे। ठीक है, तो हम वन रखेंगे क्या आएगा, तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। अब से भी हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये निकालना है, और हमें पता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है, माइनस वन। तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना है, माइनस वन। ठीक है, सबको समझ में आता होगा, क्या दे रखा है, सबसे पहले रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू वन दे रखा था, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो क्या आ गया, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स कितना आ गया, इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो हमको पता है जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन होता है, तो एक्स क्यूब बराबर कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब, अब इधर क्या देखा, एक्स पावर चालीस प्लस वन अपॉन एक्स पावर चालीस, तो हम इसका फैक्टर देख लेते कितना मल्टीप्लाई में है, इसकी घात तो तेरह दूनी उनचालीस। ठीक है, तो हम इसको तोड़ लेते, अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती, तो इसको हम एक्स की पावर चालीस को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स की पावर उनचालीस। ठीक है, अब एक्स पावर उनचालीस की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, वन, तो जहाँ भी एक्स पावर उनचालीस आएगा वहाँ वन रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और हमको पता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना दे रखा हमने अभी निकाला, माइनस वन। ठीक है, तो यही आंसर है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सेम इसी पैटर्न पे है। क्या है? x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू वन। तो हमें पूछा क्या x पावर 17 प्लस वन अपॉन x पावर 17 क्या होगा। ठीक है, जब हमको पता है x अपॉन वन अपॉन x इक्वल टू वन होता है तो x क्यूब बराबर क्या होता है? माइनस वन। जब प्लस वन होगा तो इधर क्या आ जाए? x क्यूब इक्वल टू माइनस वन होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करें कि जो x के क्यूब के फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई में हो, तो हम क्या करेंगे इस पर x इंटू एक्स पावर 17 अपॉन x। तो ये क्या हो जाए? आधार समान घाते जुड़ जाएगी तो x पावर 18 हो जाएगी। तो x पावर 18 क्या होगी? जो x क्यूब मतलब फैक्टर उसके भी। ठीक है, तो x इंटू एक्स पावर 17 इक्वल टू ज्ञात करना। तो ये आधार समान घाते जुड़ जाएगी, कितना हो जाए? x पावर 18। और ये भी आधार समान घाते जुड़ जाए x पावर 18। ठीक है, अब x पावर 18 करने के लिए हम क्या करेंगे? x क्यूब इंटू पावर कितने? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन पावर 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाए? x पावर 18 इक्वल टू, अगर ये माइनस है और यहाँ घात कितनी है? सम है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव प्लस वन आएगा। ठीक है, तो x की पावर 18 हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम x पावर 18 की जगह क्या 1 रख देंगे। ठीक है, तो x पावर 18 की जगह 1 रखते हैं। 1 अपॉन x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना हमारे पास? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 1 है। ठीक है, ये आ गया आंसर। सेम पैटर्न पे सवाल था, बहुत आसान था ये भी। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है हमारा। क्या देखा लास्ट सवाल? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन है, तो x की पावर 16 प्लस x की पावर 13 इक्वल टू क्या होगा? अब हमको पता है x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू वन है, तो क्या होगा? x क्यूब इक्वल टू माइनस वन होगा। इधर प्लस वन है तो इधर क्या होगा? माइनस वन। जब भी ये इनका डिफरेंस देख लेंगे, अब ऐसा कोई फैक्टर तो है नहीं, तो ये फैक्टर तो है, बाकी इनका डिफरेंस अगर 3 आ रहा होगा, इनका पावर मतलब इनका अंतर भी 3 आता होगा पावर का अंतर, तो हम उसकी वैल्यू हम 0 रख दें। कितना आएगा आंसर? 0 आएगा। वो कैसे आएगा मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। जब भी दो अगर ये दे रखा हो x प्लस वन अपन x इक्वल टू वन है, तो हमको पता है x क्यूब इक्वल टू माइनस वन होता है। जब भी दो संख्या हो मतलब x पावर 16 प्लस x पावर 13 दोनों की घातों का अंतर अगर 3 आ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा हमेशा। वो कैसे आएगा हम देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाए? इसको भी 13 में चेंज कर लेंगे, तो ये 3 इंटू एक्स पावर 13 प्लस एक्स की पावर 13। ठीक है, तो एक्स की पावर 13 इधर भी है और एक्स की पावर 13 इधर भी है। ठीक, तो एक्स पावर 3 कितना होता है? माइनस वन होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स पावर माइनस 3 की जगह 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाए? इंटू एक्स पावर 13 प्लस एक्स की पावर 13। ये प्लस और माइनस कट जाए, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इस प्रकार हम सोल्व कर लेंगे। ये इसके x की पावर 3 इंटू एक्स पावर 13 प्लस एक्स पावर 13। जो हमारे पास x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? माइनस वन दे रखी है। ठीक है, हमको पता है कि x प्लस वन अपन x इक्वल टू वन होगा, तो x की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन होगा। तो माइनस वन की वैल्यू रख देंगे, तो एक माइनस एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर 13 कट जाए, कितना आ जाए? 0। ठीक है, रफ कर देते। ठीक, लास्ट ये सारे मैंने 10 सवाल लिए थे, बहुत सारे एग्जाम में आए, इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।